क्लास फोर चैप्टर नंबर एट है वर्ब्स। वर्ब्स क्या होती हैं? वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया, ठीक है, जो भी काम हो रहा है। तो क्या काम हो रहा है? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट अ पर्सन इज और अ थिंग डज इज और हैज। मतलब क्या हुआ? वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो हमसे बताता है कि कोई भी पर्सन या कोई भी चीज वो क्या करती है या क्या उसके पास है, वो क्या है एक्चुअली। जैसे वी डू योगा एवरी मॉर्निंग, हम रोज सुबह योगा करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये शो करता है कि कोई भी पर्सन या कोई भी चीज़ कोई एक्शन कर रहा है, वो कुछ कर रहा है, राइट। जैसे प्रीति इज अ गुड सिंगर, तो ये शो करता है कि पर्सन या थिंग वो कुछ है। वो क्या है? वो सिंगर है, लेकिन वो कुछ है ऐसा हमें पता चलता है। आई हैव अ फ्यू कॉमिक्स, मेरे पास कुछ कॉमिक्स हैं, तो मेरे पास कुछ हैं, ऑनरशिप है, पजेशन है, मतलब मैं रखता हूँ कुछ। तो वर्ब वो वर्ड होता है जो ये बताता है कि कोई भी पर्सन या कोई भी थिंग वो क्या कर रहा है या वो क्या है या उसके पास क्या चीज़ है, मतलब, ठीक है। तो वर्ब सबसे पहले जो एक्शन को शो करता है, एक्शन मतलब कुछ हो रहा है। जैसे कि वर्ब्स डिस्क्राइब व्हाट समथिंग और समवन इज डूइंग, के क्या किया जा रहा है ना। कोई भी इंसान क्या कर रहा है, कोई भी चीज़ क्या कर रही है, वो वर्ब डिस्क्राइब करेगा। दे डिस्क्राइब अ फिजिकल एक्शन, एक फिजिकल एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि कोई भी कोई कुछ ना कुछ काम हो रहा है। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड डूइंग वर्ड्स, इनको हम कहते हैं डूइंग वर्ड्स। जैसे सेंटेंस है वीना डज द डस्टिंग एंड गीता डज द कुकिंग, सेकेंड आई डू द लॉन्ड्री ऑन संडे, थर्ड द गर्ल्स डिड वेल इन दियर टेस्ट। अब ये जो डू डज और डिड हैं, ये हमें एक्शन के बारे में बताते हैं। तो हम यूज़ करते हैं डू और डज को टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट आर डन रेगुलरली, उन एक्शंस के बारे में जो रेगुलर बेसिस पे किए जा रहे हैं। वी यूज डिड टू टॉक अबाउट द एक्शन दैट हैपेंड अर्लियर और समटाइम बिफोर नाउ। डू को हम या डज को कब यूज़ करते हैं? जो एक्शन होता है यानी कि रेगुलरली होता है, और डिड को कब यूज़ करते हैं? जो एक्शन पहले हो चुका है। वर्ब्स दूसरे नंबर पे आता है, वो वर्ब्स जो हमें बताती हैं स्टेट ऑफ बीइंग, कुछ होना। जैसे आई एम गुड इन मैथमेटिक्स, मैं मैथमेटिक्स में अच्छा हूँ, तो ये मेरा होना बताता है कि मैं अच्छा हूँ। दूसरा रमन इज़ अ गुड डांसर, रमन एक बहुत अच्छा डांसर है, तो रमन का होना बताता है कि रमन अच्छा डांसर है। थर्ड है टॉम एंड जेरी आर माई फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स, टॉम एंड जेरी मेरे फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो स्टेट ऑफ बीइंग है, मतलब होने का बताता है कि मेरे फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स टॉम एंड जेरी हैं। माई हाउस वॉज नियर द बीच, मेरा घर बीच के पास था, तो घर का होना बताता है। दे वर नॉट इन द क्लास रूम यस्टरडे, वे कल क्लास रूम में नहीं थे, तो उनका ना होना बताता है। तो ये वर्ब्स हैं एम इज आर वाज और वर, ये वे वर्ब्स हैं जो हमें किसी चीज़ का होना बताते हैं। तो द वर्ड्स एम इज आर, ये जो एम इज आर हैं ये बताते हैं किसी भी पर्सन का या किसी भी चीज़ का होने की स्टेट को, ठीक है। यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। दे आर फॉर्म्स ऑफ द टू बी वर्ब्स, ये टू बी वर्ब्स के फॉर्म है, एंड आर यूज टू टॉक अबाउट द प्रेजेंट, ये प्रेजेंट की बात करते हैं। इनको कहते हैं बी वर्ब्स या स्टेट वर्ब्स। अब जो वर्ड्स हैं वॉज और वर, ये भी टू बी वर्ब्स की ही फॉर्म्स हैं, ठीक है। इनको हम यूज़ करते हैं उन इवेंट्स को जो कुछ समय पहले हो चुकी हैं, अब से पहले। अब से पहले अगर कुछ हुआ है तो वाज और वर यूज़ करते हैं, अभी के लिए इज एम आर यूज़ करते हैं। इसके बाद वर्ब्स आती हैं जो ऑनरशिप बताती हैं, यानी कि किसी के पास कुछ है उसकी ऑनरशिप। जैसे शी हैज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन, उसके पास एक बहुत अच्छा गार्डन है। आई हैव एन एल्डर सिस्टर, मेरी एक बड़ी बहन है। When I was a child, I had a kitten. जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे पास एक kitten थी। They had a great time at the picnic yesterday. उन्होंने बहुत अच्छा समय बिताया, बहुत अच्छा समय था उनका कल पिकनिक पे जब वो थे। तो ये जो has, have और had हैं, ये belongings बताते हैं, possession बताते हैं, यानी कि किसी के पास कुछ है, इनको belonging verbs कहते हैं। Has और have को use करते हैं अभी के बारे में, और had को use करते हैं उन events के बारे में जो पहले हो चुकी हैं, अब से पहले। मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? जैसे सेंटेंस है वी आर अ फिल्म, शी हैज फॉर अ वॉक, निशा इज हर रूम, राइट, ही वॉचिंग अ फिल्म, शी गॉन फॉर अ वॉक, निशा क्लीनिंग अ रूम।
अब दीज सेंटेंस डू नॉट कन्वे कंप्लीट मीनिंग, ये अधूरे हैं, है ना, इनमें अभी कमी है, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं, इनका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। अब हम इनको इस तरह से लिखते हैं, वी आर वॉचिंग अ फिल्म, यहाँ पे हमने वॉचिंग यूज कर दिया, शी हैज़ गॉन फॉर अ वॉक, यहाँ पे गॉन को ऐड कर दिया है, उसके बाद निशा इज क्लीनिंग हर रूम, यहाँ पे क्लीनिंग को ऐड कर दिया है। अब ये सेंटेंस जो है इनके पास एक सब्जेक्ट और दो वर्ब है, पहले एक ही वर्ब था, यहाँ पे आर, यहाँ पे हैज और इज, राइट, अभी यहाँ पे दो वर्ब है, आर है और वॉचिंग है, ठीक है, यहाँ पे भी दो वर्ब हो गए हैज और गॉन, यहाँ पे भी दो वर्ब हो गए इज और क्लीनिंग, ठीक है। इन दीज सेंटेंसेज द वर्ड आर, हैज और इज एड मीनिंग टू द वर्ब्स दैट फॉलो, दे टेल यू व्हेन द एक्शन हैपेंड। अब ये जो हमारे पास वर्ड्स हैं आर, हैज और इज, ये मीनिंग ऐड करते हैं दूसरी वर्ब्स के लिए, यानी कि आर इसके लिए मीनिंग ऐड करता है, हैज इसके लिए मीनिंग ऐड करता है, इज इसके लिए मीनिंग ऐड करता है, ये तो हमारे हेल्पिंग वर्ब हो गए, ठीक है। दे टेल यू व्हेन द एक्शन हैपन, ये हमें बताते हैं कि एक्शन कब होगा, तो डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, ये हैड, ये सब हेल्प करते हैं, ऐड करते हैं मीनिंग में, इनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और ये जो वर्ब्स हैं जो जिन्हें ये फॉलो करते हैं ये मेन वर्ब्स होते हैं, इसका मतलब हो गया जो आर, हैज, इज है ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गए, और वॉचिंग, गोन, गॉन और क्लीनिंग ये सब क्या हो गए, ये हमारे मेन वर्ब हो गए। तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है इधर, और ये हमारे इधर मेन वर्ब्स, दो तरह के वर्ब्स हो गए। इसके बाद एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, वर्ब्स को फिल करना है ऊपर से, ये हमारे पास वर्ब्स दिए हैं सारी की सारी मेन वर्ब है, इसमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग फिल करना। तो फर्स्ट में वाटर आएगा, वी वाटर प्लांट्स एवरी डे, हम रोज पौधों को पानी देते हैं। दूसरे में स्टडी आएगा, आई स्टडी फ्रॉम 6 to 8, 6 to 8 तक पढ़ता हूँ। डू यू हीयर आएगा, थर्ड में हीयर है, डू यू हीयर दैट पैरट। फोर्थ में लिक्ड आएगा, लिक, अंशिका लिक्ड द आइसक्रीम, आइसक्रीम उसने लिक किया आइसक्रीम कोन को। फिफ्थ में आएगा पील्ड, ठीक है, ये वाला, ये फिफ्थ में आएगा पील्ड द पीच, पीच को उसने पील किया, पील मतलब छीलना। इसके बाद आता है सेकंड में क्या करना है, करेक्ट ऑप्शंस फिल करने हैं इज एम आर से, यहाँ से उठा के। होता क्या, देखो आई के साथ हमेशा एम आता है, अगर प्लूरल है तो आर आता है, सिंगुलर है तो इज आता है, ठीक है। आई के साथ एम आएगा, प्लूरल के साथ आर आएगा, सिंगुलर के साथ इज आएगा, तो मानव और मनु दो हो गए इसलिए आर लिखे हैं, आई के साथ एम आता है। माई ब्रदर सिंगल है तो डज आएगा, ठीक है, क्योंकि डिड तो पास्ट के लिए आता है और यहाँ एवरी डे लिखा है और डिड आता है पास्ट के लिए, एवरी डे हो गया जो रोज होता है, तो हम डज लिखेंगे। मैंडी इज एम आर में से सिंगुलर है तो इज आएगा, आई के साथ एम आता है। ट्विंस है, अब देखो हैज और हैव, सिंगुलर के साथ हम हैज लगाते हैं, प्लूरल के साथ हम हैव लगाते हैं, और हैड लगाते हैं पास्ट के लिए, तो ट्विंस है तो हैव आएगा, ठीक है। द ट्विंस हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क टू कंप्लीट, कंप्लीट करने के लिए काफ़ी काम बचा हुआ है। अब यहाँ पे वाज और वर है, सिंगुलर के साथ वाज आता है तो आई के साथ वाज आएगा, मैन आई वाज स्मॉल, जब मैं छोटा था, आई रीड अ लॉट ऑफ नॉडी बुक्स, नॉडी बुक्स पढ़ता था, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, हमें सर्किल करना है और अंडरलाइन करना है, जो मेन वर्ब है उन्हें हम अंडरलाइन करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उन्हें सर्किल करेंगे। तो जितने भी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव हैं, ये सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो हमने इनको सर्किल किया, वाज है, इज है, हैज है, एम है ना, आर है, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद जो मेन वर्ब जिनके लिए ये मीनिंग ऐड कर रहे हैं, जिसमें मेन वर्ब यानी कि जो काम हो रहा है, जैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है तो सेलिब्रेटिंग मेन वर्ब हो गया, फेडिंग मेन वर्ब हो गया, देखना सॉ मेन वर्ब हो गया, बिगेन ये मेन वर्ब हो गया, ब्यूटी ये मेन वर्ब हो गया, कलेक्ट करना कलेक्टिंग ये मेन वर्ब हो गया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब उसको फॉलो कर रहा है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन मेन वर्ब है हम, तो ये हमारा मेन वर्ब हो गया, यहाँ पे रिपेयर करना हमारा मेन वर्ब हो गया, इनको हमने अंडरलाइन कर दिया है, और जितनी हेल्पिंग वर्ब है उनको हमने सर्किल कर दिया है, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये वर्ब्स वाला चैप्टर फिनिश हो गया, थैंक यू।